एक तरफ सरकार किसानों को लाभ देने से लेकर फसलों की बुआई और फसलों का मूल्य बढ़ाने और तरह तरह की योजनाओं से लाभान्वित करने का आयोजन योजना बना रही है, वहीं दूसरी ओर बस्ती जिले से शासन की मंशा के विपरीत काम किया जा रहा है। दरअसल यहां ग्रामीणों ने नायाब तहसीलदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि चकमार की पिटाई के दौरान किसानों द्वारा खेत में बुआई की गई फसल को भी जेसीबी से जोत दिया गया है। मामला जब उच्च अधिकारियों तक पहुंचा तो मामले की जांच के आदेश दिए गए, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मामले में अपर जिला अधिकारी अभय कुमार मिश्रा ने बताया कि हरैया तहसील अंतर्गत इटावा गांव का मामला प्रकाश में आया है। इसमें एसडीएम सदर को जांच के आदेश दिए गए हैं। ये संबंध तो अभी हरिया जैसा मंत्री लिए है, जानकारी हुई कि एक हरिया जो पोस्टों को रख रखा जांच करके निर्वाचन में शामिल करने का सर क्या कुछ आरोप निकल के सामने आए थे लोगों का? तो जिला को इसको नहीं आ रहा है कि किसी तरह के आरोप को आप बता रहे हैं कि प्रधान के बढ़ाए तो जांच के बाद इस द्वारा किया और हम लोग प्रशासन के द्वारा यहाँ पे जबरन पटाई किया और हम लोग अपना मिट्टी नहीं दे रहे थे जहाँ ढींचे की बुआई किए हैं और देखिए पूरा ढींचे का फसल नष्ट कर दिया और गड्ढा हो गया खेत में। और पहले पटवाई का ये चकमार हम लोगों ने धारा 24 ही किया है, विवादित चक्रोड़ है वहाँ से बाधित है, वो वहाँ नहीं पटवा रहे, प्रधान अपने घर से सिर्फ यहाँ तक पटवा रहे हैं। जेसीबी द्वारा जबरदस्त प्रशासन द्वारा चक्रोड पटाया नहीं। चक्रोड कैसे पटाया गया? जेसीबी से। प्रशासन में कौन कौन तैनात है यहाँ पे? कौन हो रहा? नायब तहसीलदार सिद्धनाथ यादव। इसका कोई मास्टर रोल नहीं है। हमारा नाम विजेंद्र कुमार पाठक, हम इटवा गांव के स्थायी निवासी हैं, हैं? और इस चक्रोड की पटाई 1.5 साल पहले हो चुकी है। ये चुनावी रंजिश में हम इनके पक्ष में मतदान नहीं किए हैं और इन्होंने हमको धमकी पहले से भी दिया है कि जो है हम आपको 5 साल में बर्बाद कर देंगे। हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMTNewsFlash।